फिर इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे पतलून और सिराट को हाथ लगाया। हाय मैं बलिहारी जाऊं, गुस्से में तो बड़े प्यारे लग रहे हो प्राणनाथ। दोबारा प्राणनाथ कहा तो मैं तेरा प्राण छीन लूंगा। अरे इतना आपे से काहे बाहर हो रहे हो, पति के कपड़े अगर पत्नी नहीं धोएगी तो क्या आस पड़ोस वाले धोएंगे क्या? अरे वही चिराया की एक टांग, समझ गया, तो सारे नट बल्टू ढीले बा, अभी ठीक कर देता हूँ। रुका है गए, और पास आओ ना प्राणनाथ। अरे तू सचमुच बहुत छिचोरी है। अरे इतनी बेहया बेसरम छोरी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और हमने भी ऐसे ठंडे खून वाला छोरा पहले कभी नहीं देखा। तूने हमको ठंडे खून वाला छोरा कहा? ए छोरी, ये छैला बिहारी शेर का बच्चा है, शेर का। एक पांव जमीन में धर दूंगा तो जमीन से पानी निकल आएगा। हाँ। अरे तू क्या निकालेगा जमीन से पानी, तेरी छाती में तो दम ही नहीं। अगर तू शेर का बच्चा होता तो कस के भर लेता अपनी दुल्हन को बाहों में। तू तो पक्का नामर्द है, नामर्द। तूने हमको नामर्द कहा? एक बार नहीं हजार बार कहूंगी, नामर्द नामर्द नामर्द। ठीक है, आज हम तो के दिखाता हूं कि मैं कितना बड़ा मर्द हूं। चिल्ला हिला के अपने खानदान की परंपरा के अनुसार एक रस्म को पूरा करने के लिए हमने आपको यहां बुलाया। जब हमारे खानदान का वारिस बालिग हो जाता है तो अपनी प्रजा के सहयोग से पवित्र देवी को प्रसन्न करने के लिए एक नायाब भेंट चढ़ाता। आज हमारा संजय प्रताप सिंह 21 बरस का हो गया है। शिकारी होगा ठाकुर संजय प्रताप, और शिकार होगा तुम गांव वालों में से कोई भी एक। अरे डरते काहे हो भैया? अरे अपने अन्नदाता के लिए, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की बलि नहीं चढ़ा सकते। अगर तुम्हारी जगह हम होते तो। मालिक गलती हो गई। छोटा मुंह बड़ी बात माए बाप, मगर वो अभागा कौन होगा?
जो छोटे ठाकुर के गोली का निशाना बनेगा। लाओ 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 इस बक्से में गांव के हर आदमी के नाम की एक पर्ची है। निकाली गई पर्ची पे जिसका नाम लिखा होगा वही मेरा शिकार होगा। मेरा शिकार है शकुंतला का बेटा रामू। नहीं, 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 नहीं। दया कीजिए ठाकुर साहब, दया कीजिए, मुझ विधवा पर दया कीजिए, मेरी बुढ़ापे की लाठी मत छीनिए, दया कीजिए ठाकुर साहब। हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते शकुंतला, हमारे खानदान की परंपराएं तेरे आंसुओं से बहुत बड़ी हैं, पर तू दिल छोटा मत कर। पवित्र देवी को अगर तेरे बेटे की बलि मंजूर नहीं होगी तो ये पापी बच जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ मेरे बेटे को, छोड़, ठाकुर साहब, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। शाबाश। बड़े ठाकुर हमरे नंबर, छोटे ठाकुर हमरे पांच नंबर बढ़ा दो भैया। छोटे ठाकुर सब्र से काम लो शकुंतला, सब्र से काम लो, पुलिस आने ही वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी की जान ली है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आइए देखिए क्या क्या इधर उधर। पानी सर से ऊंचा हो गया इंस्पेक्टर, ये ठाकुर लोग अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगे हैं। ये सिर्फ अपने खानदान की रस्म निभाने के लिए गरीबों का खून पानी की तरह बहा रहे हैं। आप हवेली जाइए और गिरफ्तार कीजिए मुजरिमों को, जाइए आप। मास्टर जी हम पुलिस वालों का तो काम ही है मुजरिमों को गिरफ्तार करना, मगर कोई भी कदम उठाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिन्हें आप मुजरिम कह रहे हैं उन्होंने जुर्म किया भी है या नहीं। आलाय कत्ल क्या था, मकसद क्या था, कोई सबूत है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह है कि नहीं। कत्ल का एक नहीं पूरा गांव चश्मदीद गवाह है। आप पूछ लीजिए गांव वालों से, पूछ लीजिए। अब ही पूछ लेते हैं मास्टर जी। वो लोग अपने हाथ ऊपर उठाएंगे जिन्होंने ठाकुर के बेटे संजय को रामू का कत्ल करते हुए देखा है। क्यों मियां मास्टर, ये कत्ल तुम नहीं किया है और यही सच्चाई है। ये गांव वाले तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दे रहे ठाकुर। मियां मास्टर लगता है तुम चकरा गए हो, तुम हमें झूठा कह रहे हो, हमें सारी दुनिया जिसकी तरफ हाथ करके सच्चाई की कसम खाती है तुम उसे झूठा कह रहे हो। हाँ मैं तुम्हें झूठा कह रहा हूं ठाकुर। यानी कि हमें? हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम खुद को बचाने के लिए सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे। अगर याद रखना ठाकुर, झूठ उस जख्म की तरह होता है जिसका निशान भर जाने के बाद भी बाकी रहता है, और एक दिन वो निशान नासूर बन के सड़ेगा और तेरी हस्ती को मिटा देगा। इंस्पेक्टर इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, वरना मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा या आप भी इसके साथ मिले हुए या फिर डरते इससे। माफ कीजिए मास्टर जी, मैं इस वक्त ठाकुर अजय प्रताप को गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त गांव में एक भी चश्मदीद गवाह ऐसा नहीं है जिसने इनके बेटे को रामू का कत्ल करते हुए देखा है। तुम बहुत समझदार हो इंस्पेक्टर, बड़े अफसर बनोगे। बहुत खूब अनीता, देख हम ठाकुरों का ये उसूल है कि अगर हमें दूध पीने को मिलता रहे तो हम भैंस अपनी चौखट पे नहीं बांधते। लेकिन ठाकुर साहब मैं एक स्त्री हूँ, और एक स्त्री तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि उसकी मांग में सिंदूर ना भरा हो। तुम औरतों की यही तो दिक्कत है।
देखो ये क्या मुसीबत है, तुम जैसी औरतों को गंदगी से उठाकर अपने पास अपने करीब बिठा लिया जाए तो महलों की दीवारों को सूंघना शुरू कर देती है। रोती क्यों है, रोती क्यों है? क्या नहीं दिया मैंने तुझे? हाँ अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है और अच्छे बिस्तर पे लेटती है, और क्या चाहिए तुझे भाई? ठाकुर साहब कोई फौजी आपसे मिलने आया है। अरे उसे कहो कि मुलाकात के लिए इंतजार करे। चल पिछले दरवाजे से बाहर चली जा। जी मिलने आया है। कौन? शारदा बाई का बेटा। शारदा बाई नहीं, शारदा देवी, मेरे बाप की नाजायज औलाद, शारदा नर्तकी के बेटे, ठाकुर भानु प्रताप सिंह और शारदा देवी का बेटा कैप्टन विजय प्रताप सिंह तुम्हें चेतावनी देता है कि मेरी मां के नाम को सम्मान से पुकारो। अपने बाप की रखेल के साथ देवी लगाकर मैं देवी शब्द का अपमान नहीं करना चाहता। बता तेरे यहां आने का मकसद क्या है? मैंने अपनी मां को वचन दिया था बड़े भैया कि तुम्हारे जुल्म और जबर से इस गांव के लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा, इसलिए तुम्हें आगाह करने के लिए आया हूं। आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, आज से अपनी राह बदल दो। बंद कर ये बकवास, इससे पहले कि मैं तेरी जिंदगी का दरवाजा बंद कर दूं, उस खुले हुए दरवाजे से बाहर चला जा लकड़े। जाने से पहले एक बात कह देना चाहता हूं ठाकुर अजय प्रताप सिंह, मैं इस देश का सिपाही हूं और ये सिपाही इस देश के साथ वतन के साथ सौदा करने वालों को माफ नहीं करेगा। सरहद पर तो तूने सिर्फ टांग कटाई है फौजी, मेरी चौखट पर तेरी मौत तुझे खींच के ले आई है। भैया दाता विधाता अन्नदाता दयालु बड़े ठाकुर साहब ने अपना पूरा भंडार खोल दिया है, अब आप आके अंगूठा लगाओ और अपनी जमीन की दुगनी जमीन ले जाओ। ठाकुर साहब आज ये बात कुछ हलक की नीचे से नहीं उतर रही कि बड़े ठाकुर इन पे इतने मेहरबान हो गए हैं, इनकी ये जमीनें लेकर इन्हें दुगनी जमीनें दे रहे हैं। क्योंकि हमारे ठाकुर का दिल बहुत बड़ा है, वो आप सब लोगों को खुशहाल देखना चाहते हैं। तुम लोग ये समझते हो कि ठाकुर हमेशा ठोकरे मारते हैं? नो 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 नो, आज तुम्हारी इस बात को हम लोग गलत साबित कर देंगे। आप एक एक करके आओ और अपने नाम के आगे अंगूठा लगाओ भैया। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने होश गवा बैठे हो क्या? इस ठाकुर ने हमेशा गरीब गांव वालों की जमीनों को छीना है और आज ये तुम्हें दुगनी जमीनें दे रहा है। क्यों सोचा तुमने इसमें जरूर इसकी कोई चाल है? मास्टर जी तुम फिर बीच में टपक पड़े। बड़े ठाकुर भगवान का अवतार है,
और तुम चाहते हो कि ये गांव वाले अपने भगवान पर शक करें? खुदा का बंदा कभी खुदा पे शक नहीं करता, शैतान पे करता है। किसी भी हालत में इस कागज पे अंगूठा नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। खदेड़ दो इसे। तू मेरी आवाज को नहीं रोक सकता ठाकुर, मैं साबित करूंगा, दिखाऊंगा कि सच्चाई क्या है। मेरी आवाज को नहीं रोक सकता तू, नहीं नहीं रोक सकता। बहन, ये सारी जमीन जो ठाकुर ने गांव वालों को दी है बिल्कुल बंजर लगती है। इसमें तो अनाज का एक दाना भी नहीं पैदा हो सकता। हम गलत जमीन पे तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं। ठाकुर के लोगों ने कहा था कि मंदिर के पिछवाड़े की जमीन, और यही है वो जमीन। लेकिन ठाकुर ने ऐसा क्यों किया? ठाकुर ने तुम सबकी पीठ में छुरा खोपा है। उसने बड़ी चालाकी से तुम्हारी उपजाऊ जमीन ले ली और तुम्हें दुगनी जमीन देने की लालच देकर ये बंजर जमीन तुम्हारे हवाले कर दी। ये तमाम सामान और खाने पीने की चीजें ठाकुर साहब ने अपने वफादारों के लिए मंगवाई हैं। लेकिन वफादार वही कहलाएगा जो आज आकर यहां से बंदूक उठाएगा और कसम खाएगा कि आज के बाद वो कभी ठाकुर साहब के साथ नमक हरामी नहीं करेगा। हाथ मत लगाने इन हथियारों को, और खबरदार जो ठाकुर की वफादारी की कसम खाई तो, वरना ये वतन का गद्दार ठाकुर तुम सबों को आतंकवादी बना देगा, और तुम्हारी बंदूक से निकली हुई एक एक गोली तुम्हारे अपने मां बाप भाई बहन की छातियों को छलनी करेंगी। नहीं क्या? सब्र करो सकीना बहन। कैसे सब्र करूं? मेरा कलेजा तो फटा जा रहा है। इतना छोटा सा था जब मैं इसके घर दुल्हन बनकर आई थी। ये था तो मेरा देवर, लेकिन अपनी औलाद की तरह पाला मैंने इसे। ये भी कोई उम्र होती मरने की? अभी तो उसके चेहरे की फूल भी नहीं खिले। अल्लाह मेरे मालिक, तूने मुझे उठा लिया होता। देखो सकीना, जब इसी तरह एक दिन मेरा रामू मरा था, तूने ही मेरे आंसू पोंछे थे ना। संभालो अपने आप को सकीना बेगम। सकीना, असलम को क्या हो गया? वो कुछ बोलता भी नहीं। बोली ना उसे क्या हो गया, बात भी नहीं करता असलम। मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। कौन कहता है कि मेरा भाई असलम मर गया? जो इंसान इंसाफ और हक की बात करते हुए मार दिया जाए वो मरता नहीं, शहीद हो जाता है। बेशक आपका भाई शहीद हुआ है मास्टर जी। आपकी तारीफ। कैप्टन विजय प्रताप सिंह रिश्ते से ठाकुर अजय प्रताप सिंह का भाई है, लेकिन अमल से उसकी जरायम की इमारत को खोखला करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए अब यहीं बस गया हूं। यही मेरी जिंदगी का भी मकसद है। एक और एक मिलके दो नहीं, 11 हो जाते हैं।
अब हम दोनों मिलकर उस दरिंदे का मुकाबला करेंगे। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, अनीता देवी आपसे मिलना चाहती हैं कुछ खास बात करने के लिए, रात को 9 बजे। जाके कहो, हम आएंगे। ठीक है सरकार। तैयारे दैया, ठाकुर साहब की रखेल अनीता इस फौजी से कुछ कहना चाहती है। मतलब दाल में कुछ काला है। सालीग्राम, ठाकुर साहब से नंबर बढ़वाने का यही मौका है। नमस्ते अनीता जी, आप ही हैं? जी, आप कैप्टन विजय प्रताप? जी। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन आप जिस दुष्ट अत्याचारी ठाकुर अजय प्रताप से टक्कर लेने जा रहे हैं, उसने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत आबरू से खेलता रहा, और जब मैंने उससे ब्याह करने के लिए कहा तो उसने मुझे दुत्कार दिया। समझ गया, आप उससे बदला लेना चाहती हैं? मैं ठाकुर के हर घिनौने जुर्म को जानती हूँ, मेरे पास उसके खिलाफ कई सबूत भी हैं। ठाकुर अजय प्रताप सिंह के खिलाफ आपके पास क्या क्या सबूत हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि उसी ने कटा हुआ पेड़ गिराकर आपको मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें उसके अड्डे का पता भी बता सकती हूँ, जहाँ ठाकुर आतंकवादियों के साथ मिलकर साजिशों का जाल बुनता रहता है। कैप्टन विजय प्रताप, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ठाकुर सारी उम्र जेल में चक्की पिसता रहे। गांव के गरीब और भोले भाले लोगों की जमीन हासिल करने के लिए ठाकुर ने जिन कागजात पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, वो कागजात मैंने चुरा कर रख लिए हैं। कहाँ है वो कागजात? मैं अभी लाती हूँ। बेवकूफ लोमड़ी, ठाकुर अजय प्रताप। विजय प्रताप, कहीं ये बैसाखी तो आपकी नहीं है मिस्टर विजय प्रताप? हाँ जी, लेकिन ये बैसाखी आप तक कैसे पहुंची? ये बैसाखी अब से थोड़ी देर पहले ही हमें अनीता की लाश के पास से बरामद हुई है। अनीता की लाश? मर गई? ये सब क्या माजरा है? मैं किसी अनजान औरत का खून क्यों करने लगा भाई? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अम्मी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ बेटा, तेरे अब्बू तेरे लिए खाना लेने ही तो शहर गए हैं। अम्मी, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। देखिए ना, मेरा पेट कितना अंदर चला गया है। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, ठीक है? अब बस बेटे, लो सकीना बहन, तुम्हारा बस जल्दी से खाना खा लो। शकुंतला बहन, तुम भी तो खाली हाथ थी,
फिर तुमने खाने का इंतजाम कैसे किया? जाने तो बहन, बच्चा बहुत भूखा है, उसे पहले खाना खिलाओ। खिला तो मैं दूंगी, लेकिन ये बताओ कि तुमने इंतजाम कैसे किया? कुछ नहीं, घर की सफाई कर रही थी, मेरे सोने का आखिरी गहना मिल गया, वो मैंने सुनार के हाथों बेच दिया। क्यों? हमारे दुश्मन को खाना खिलाने जा रही थी? ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, खाना वापस कर दीजिए, मास्टर जी का बच्चा भूख से तड़प रहा है। अरे अरे, तुझे बड़ी दया आ रही बच्चे पर। अरे शकुंतला मौसी, जरा अपनी बची कुची जिंदगी का तो ख्याल करो। बेरहम दरिंदो, जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, लेकिन इतना याद रखना कि अल्लाह के घर देर है अंधे नहीं। तुम जैसे शैतानों को मिटाने के लिए रहमत के फरिश्ते एक ना एक दिन जरूर आएंगे। नो ऐश विदाउट कैश, ये 5 लाख एडवांस और बाकी काम होने के बाद। काम सूचे। एक बंदा है दिलावर, जो नेशनल हॉस्पिटल के रूम नंबर 5 में एडमिट है, उसको उठा के लाना है। आप पहला ये बताओ मियां, वो आदमी आपका दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन नंबर 1। अगर वो तुहार दुश्मन है तो काहे नहीं ससुर के नाती का गेम हॉस्पिटल में ही कर डाले? नहीं, जो तुमसे बोला जाता है तुम वही करो, मुझे उसका मुंह खुलवाकर अपना माल निकलवाना है। दिलावर को लेकर यहीं आना है? नहीं दोस्त, तुम लोगों का यहां बार बार आना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग दिलावर को लेकर एमजी ब्रिज में पहुंच जाना, मगर याद रहे हॉस्पिटल में दिलावर के लोग भी होंगे और पुलिस भी। खतरे से खाली नहीं है तुम लोगों के लिए काम। खतरों से खेलना हमारा पेशा है, इसीलिए हमें खतरों के खिलाड़ी कहते हैं। अब ये पैसे उठाओ। सेठ, तुम्हारा काम करना है या नहीं करना है, इसका फैसला हम खुद वोटिंग से करेंगे। पुट्टा में से 3 पुट्टा आओ बोल दिए, काम हो गया समझो। मगर छैला बाबू को क्या तकलीफ है? क्या है अश्विन भाई, कुछ अंधे ऐसा होते हैं कि जिनकी आंखों में रोशनी की दवा डालो तो रोशनी आने के बाद वो सबसे पहले दवा डालने वाले को आंखें दिखाते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दूंगा, पर याद रहे अगर किसी ने मेरे साथ धोखा किया और काम नहीं हुआ तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा। कौन है ये पेशेंट? ओपेरा जनता हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस छे बापा। पेपर दिखाओ। अबे डोकला, पहला पेपर डॉक्टर मिस्त्री ना पास छे ना, वोज केस हैंडल करता वोज बताएगा। कहां डॉक्टर मिस्त्री? आ पहला आ छे ना डॉक्टर मिस्त्री, आजो आ बाजू में छे ना। ए मिस्त्री भाई, आ पहला डोकले को पेपर तो दिखा। तुमको पेपर की क्या जरूरत है? तुमको नोटों से मोहब्बत है। हमको पेपर की क्या जरूरत है? हमको नोटों से मोहब्बत है।
आंटी जी ने बोला है हिंसा अच्छी नहीं होती है। चला जल्दी। ये रहे तुम्हारे बाकी के 5 लाख। उस्ताद ये टिक टिक की आवाज किधर से आ रही? भाग! बंद करो टॉर्चर। तो बता प्यारे, 2 किलो के हीरोइन लेकर तूने मेरे 2 करोड़ कहां छुपा रखे हैं? बता शाने। मैं धंधे में धोखा करने वाले को कभी माफ नहीं करता हूं। बता शाने, मेरा माल कहां रखा तूने? बोल 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 शाने, बोल। बैड लक, तुम लोग बच गए। बच गए, हम लोग बच गए। अब तेरे को ये बताना है कि तूने अपने लिए इतना गहरा कुआं खोद लिया, इतना ऊंडा कुआं खोद लिया है कि वहां से बचना तेरे लिए मुश्किल है बाबा, मुश्किल है बाबा, मुश्किल है बाबा। अबे डेढ़ फुटे, अगर तू छोटी छोटी मछलियों को पकड़ता तो चलता, लेकिन तूने तो मगर मच्छ पे हाथ डाला है। नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। पर क्या क्या और कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता खबीस, 5 के बदले दे दे 25। ठीक है, मैं तिजोरी से पैसा लेकर आता हूं। देखो हम बिहारी हूं, दिमाग बहुत गर्म है, आप यहां हटाई लो नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाए। अस्बिन भाई, दोबारा चालाकी करके तुम अपना आखिरी चांस भी खो दिया। अब हम तुम्हारी खाल उतार कर उसका तबला बनाएंगे और उसी तबले के धुन पर हम कवाली करेंगे। कवाली मेरी सोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान, ये सोखिया ये पाकपन जो जो में है।
साहब वो देखे। कोई घुसपैठिया भी हो सकता है। चलो टू इंडिया मिस्टर टॉर्चर। क्या हाल है थंडर? सब ठीक है। आइए। वेलकम वेलकम टॉर्चर वेलकम। या कुछ भी कहो भाई, तेरा इंतजार भी एक टॉर्चर है। यार सच बता, तेरा नाम ये टॉर्चर किसने और क्या सोच कर रखा? अरे बोलता है ठाकुर, डिलीवरी का टाइम हमने हमारी माँ को टॉर्चर दिया, बाप के धंधे में बाप को टॉर्चर दिया, यंग होने के बाद पुलिस वाले को टॉर्चर दिया, और अब होल कंट्री को टॉर्चर देता है, इसीलिए मेरा नाम टॉर्चर। वो तो सब ठीक है, वो अपना प्लान। अरे उसी के वास्ते तो आया हूँ। टॉर्चर बेल्डन। अरे आदिलपुर गांव तो बहुत शानदार लगता है दोस्तों। क्या उत्तर, गांव तो शानदार लग रहा ना, लेकिन खाने का क्या करेंगे, भूख से 2000 किलो कम हो गए ना। अरे बम्बास, तू तो इंटरनेशनल भूखा है। बिहारी भाई, ओला डेरी फार्म में जाके मैं तो 2-3 लीटर दूध मार के आता हूँ, आओ जो हूँ। पहलवान की ओला दूध पी के आवत है, जाओ। हाय तेरी नाखों का गुजरखूं अच्छा सा नाम, झील कहूं या कमल कहूं या कहूं इसे शीशे का नाम। अरे उस्ताद, हंसी तो फंसी, मुस्कुराए तो जेब में आए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूं। उत्ताद ये पोट्टे को समझाओ, वरना किसी पोट्टी के चक्कर में एक दिन बहुत मारा खाएगा। जाने दे ससुर के नातियों को, हम दोनों चलकर कहीं ढाबे में रोटी खा लेते हैं। चलो उत्ताद। ये तमाशा पूरे 1 घंटे से चल रहा है। ये लड़का जब भी रोटियां लेकर आता है, ये लखू दादा छीन लेता है और हमें खाने नहीं देता। क्या बोला, क्या बोला? अरे उल्लू का पट्टे, मैं और मेरे चमचे जब तक पेट भर के नहीं खाएंगे तो तुम लोगों को एक भी रोटी नहीं मिलेगी, क्या समझा? बहुत देर से मैं तुम लोगों का बेहुदापन देख रहा हूं। अगर अब तुमने ग्राहकों तक रोटियां नहीं पहुंचने दी तो अंजाम बहुत संगीन होगा। कौन है बंदे, पता नहीं दिख रहे हैं।
अरे खां, दो दाल दस रोटियां लाना जल्दी। अरे उत्ताद, ये पहलवान ने तो सारी रोटी छीन लिया ना, अब हम लोगों क्या खाएंगे? पट्टी पत्र है। ए बुलडोजर, ये उटरबा रोटी हमारे पास से लाया, तू काहे ले लिया? का तमाशा आया? ये तमाशा जो है ना, पूरे एक घंटे से चल रहा है। ये लाखू दादा के गुंडे जो है रोटी छीन लेते हैं आते ही, और हम यहाँ बैठे हैं सब्जी लेकर। क्या उत्ताद, मारू क्या हैदराबादी बमा, उड़ाऊ क्या खोपड़ी साले की? अरे नहीं बमबाज, इतनी छोटी छोटी बात के लिए अपना महान बम खराब मत करो मर्दे आदमी। उल्लू के फट्टे, ये सारे मेरे चमचे हैं जो मेरे हाथ पैर दबाते हैं। मैं तुझे इतनी मार मारूंगा, मार खाने के बाद तू मेरे हाथ पैर दबाएगा। चुप ससुर के नाती, महाराज केहू के हाथ पैर ना ही दबावत है, गर्दन दबावत है गर्दन। उल्लू के फट्टे, तू उल्लू का फट्टा। अभी तेरा फोटो बिगाड़ दूंगा, मेरा नाम लाखू है। और हमारा नाम है छाला बिहारी। आज तक हमने जितने गुंडे मवाली को मारा है उतने तेरे बाप ने पैदा भी नहीं किए होंगे, समझा? अब बोलो पापा, झटके से माल कमाने का है तो बोलो पापा। कैसे भैया, कैसे? अच्छा बोल, चल लाखू एंड कंपनी जीतते के बिहारी एंड कंपनी? अरे लाखू लाखू ही जीतेगा, हम कहते रहे लाखू ही जीतेगा। ऐसा तो लाखू एंड कंपनी जीतता तो मैं एक का दस देता हूँ, दस का सौ देता हूँ। ए पहला लूटो लूटो बाजीगर भाई राजकोट वाले को लूटो। ये चिट्ठी कैप्टन विजय प्रताप सिंह ने आपके लिए भेजी है। अच्छा, क्या लिखा है भाई इसमें? बाजीगर, ऐसन मजेदार कहानी तो हमार नानी हमार बचपन में भी ना ही सुनाती थी। 20 करोड़ का खजाना, वो भी बंजर जमीन के नीचे। और पहला आप ये चाहते हैं कि आपकी उस बंजर जमीन की खुदाई करी ने हम वो खजाना बाहर निकाले?
हाँ, एक फौजी का वादा है कि जब तुम उस खजाने को निकालने में कामयाब हो जाओगे तो उसके बराबर के 5 हिस्सों में से 4 हिस्से में तुम लोगों में बांट दूंगा और 5वां हिस्सा उन गांव वालों के हवाले कर दूंगा जो मेरे हमशक्ल भाई के जुल्म सितम की शिकार है। क्या चीजा, हम कुछ फिरा दे क्या? ऐसा रहता तो ये काम तुम खुद ही काहे को नहीं कर लेते? अगर कर सकता तो तुम लोगों को यहां ना बुलाता। मेरे जालिम भाई ने खजाने का पता ना बताने की वजह से मुझे झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है और आज पुलिस मेरे पीछे है। अपना बदला तो मैं उस बड़े भैया से खुद ले लूंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है। लेकिन फौजी साहब, आप अपन भैया के साथ समझौता क्यों नहीं कर लेते? समझौता इंसानों के साथ किया जाता है, शैतान के साथ नहीं। वो किसी समझौते के लायक नहीं। वो जियो और जीने दो के उसूल पर नहीं, मारो और मार डालो पर अमल करता है। लेकिन भाई जना, अब आपकी सूचना के खातिर हम आपको बता दें कि हम भी कोई शरीफ मानस नतीजे, पुलिस हमारे पीछे भी लगी हुई। अगर हम आपका काम करने गए तो क्या हम पुलिस के लपेटे में नहीं आएंगे? फौजी की नजर धोखा नहीं खा सकती। मैं जानता हूं जिस तरह पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, खतरों के बिना तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। खतरों के खिलाड़ी हो तुम लोग। सीधा जवाब दो, ये काम तुम लोग करना चाहते हो या नहीं? वो क्या है ना चीचा, इसका फैसला तो वोटिंग के जरिए होगा। जो हम 4 पोट्टा में से 3 लोग हूं बोले तो होएगा, वरना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। तो बोलो दोस्तों, ये काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं तैयार हूं। आओ भौजी साहब, जब हमारे 3 साथी तैयार बा तो हम कैसे इनकार कर सकते? बाबू पहला सोना क्या चे? भाई क्या बात है अभी वो? सोना बोले फतरे निकल रहे ना, फिरा दिए ना उत्तार। मेरे को तो लगता है ये सोना ढूंढते ढूंढते मेरे को इधर ही सोना पड़ जाएगा। मारी ना क्या पापड़ वाली ने तेरी। लगता है आप लोग इस गांव में नए नए आए हैं। हम नया हूं के पुराना, तुम्हें क्या लेना देना? लेना तो कुछ नहीं है चाचा, देना है गर्मा गर्म खाना। खाओगे? गर्मा गर्म खाना खिला दे यार। अरे भूखे ना जान ना पहचान बन बैठे मेहमान, पहले ये तो पूछ ले कि ये हम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। इसमें मेहरबानी की क्या बात है भाई, आप लोग हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं, ये देख के हम गांव वाले बड़े खुश हुए। सोचा थक गए होंगे, भूख लगी होगी, खाना ले आए। तो ये जमीन आपकी है फौजी विजय प्रताप सिंह की? नहीं, ये जमीन उन्हीं की है, उन्होंने हम गरीब गांव वालों को दान में दी है। ये फौजी विजय प्रताप सिंह जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे भी लगता है, ये गांव वालों को टोपी पहना रहा है। क्या कुसर पुसर कर रहे हो चाचा जी, खाना खा लीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हमारे 2 साथी और हैं, उन्हें भी बुलाता हूँ खाना खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आप लोग खाना खा लीजिए, हम बर्तन लेने आ जाएंगे। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हेलो, चल बेटा। अरे बाजीगर बम्बास, खाना खाने आ जाओ।
बिहारी जाऊं। ये नंदी महाराज यहाँ कहाँ रुक गए? अरे नंदी महाराज, आप इस गांव में रुक गए? इसका मतलब हमार बरसों की तपस्या अब सफल हो गई, क्योंकि आप ही ने तो कहा था जिस गांव में आप रुकेंगे हमको हमार पति मिलेंगे। अवश्य कन्या, तुम्हारा पति इसी गांव में मौजूद है। तुम कहो तो अभी दर्शन करवा दूं। हाय मैं बलिहारी जाऊं, कहाँ है हमार मांग का सिंदूर? दिखाई ना देते हैं? मन की आंखें खोल कर देखो कन्या, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। नंदी महाराज, क्या यही हमार पति देव है? बैल, हम समझ गए नंदी महाराज, ये तो कोई बहरूपी थे। अब आप कृपा करके हमको हमारे पति के पास ले चलिए। हाय मैं बलिहारी जाऊं। ये कहां से टपक पड़ा? अरे ई नंदी महाराज हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तो हमार त्योहार मिलनवा हुआ है पतिदेव। का? और नहीं तो का? अरे छोरी, क्या बकवास करती है हा? और हमारे गले में फूलों का हार पहनाई की हिम्मत कैसे हुई? हाय मैं बलिहारी जाऊं, इतना भोला कितना मासूम है हमार पति। अरे भोला राम, दुल्हन अपन दूल्हा का गले में फूलों का हार ना पहनाए तो का फांसी का फंदा पहनाए? दूल्हा? अरे कौन दूल्हा, किसका दूल्हा? हमार दूल्हा तुम ही तो हो, बोलो ना नंदी महाराज, यही है ना हमार सुहाग, है ना? ये काहे मुंडी हिला रहे हो? ये देखो बैल जी, भोलेनाथ के साथ हो ठीक हो, बजरंग बली को गुस्सा मत दिलाओ। हाँ देखिए प्राणनाथ, आप हमें जौन बुरा भला कहते हैं कह लीजिए, पर नंदी महाराज का अनादर मत कीजिए और इन्हें बैल कहकर मत बुलाइए, वरना ये बुरा मान जाएंगे ना। कमाल है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, खाम का गले पड़ रही हो। ऐसे कड़वे शब्द मत बोलिए और इस फुलवा बंजारन को स्वीकार कीजिए स्वामी जी। अरे ससुर की नाती, ये तो बहुत छिचोरी है, देखने में तो तगड़ी घोड़ी है लेकिन अकल थोड़ी है। हाय मैं बलिहारी जाऊं पतिदेव, हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। खबरदार चमड़े पांव का हाथ लगा, चल खिसक जा यहाँ से दनादन। कैसे खिसक जाऊं अपने पतिदेव को छोड़ के? अभी तो आपने मेरे साथ सुहागरात भी नहीं मनाई और मुझे प्रेम भी नहीं किया है। देख छोरी, मजबा कहीं और लगा और एक बात कान खुलकर सुन ले, हम औरत जात की परछाई से 10 कोस दूर भागता, हम बजरंग बली का चेला हूँ, छैला बिहारी, सदा ब्रह्मचारी हूँ। अरे इस जन्म तो का, अगले 7 जन्म तक हम तो अर्पति नहीं बन सकता। हाँ हाय मैं बलिहारी जाऊँ। चेला भाई, मैं तो मेरे सोने के हिस्से से राजकोट में बंगला बांधूंगा। हाँ हाँ आवता। अरे अरे अनर्थ, घोर अनर्थ, लगाता है हमारे ठिकाने पर किसी छोकरी ने कब्जा कर लीस है। क्या बोलते हैं मियां, ओटी नजर नहीं आ रही ना? अरे इसमें घबराने की क्या बात से, इधर किधर ही छोएंगे। ए पहला रांझा भाई, जोर थी पुकारना। ए जो कोई भी हो बाहर आओ। हम फुलवा है साहब जी। फुलवा? कौन फुलवा? कहीं वो नंदी बैल वाली तो नहीं? देखा प्राणनाथ, आपने हमारी आवाज झट से पहचान ली, अब तो मान लीजिए हम तो हर पत्नी है। अरे पत्नी की बच्ची, तू यहाँ भी आ गई? अब भाई हम तो हर कान पकड़ कर यहाँ से चलता कर दे। ना 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 ना, ना। प्राणनाथ इधर मत आइए, हम पर्दा डाल के स्नान करते हैं, अभी आके तो के और तुहार दोस्तन को पचमेल दाल की खिचड़ी खिलाते हैं। अम्मा खिचड़ी? ए तू खिचड़ी ना खाई, पहले इस छोरी को दनादन यहाँ से चलता करो। ए चेला भाई, मेरे पास एक आइडिया से, अपन वोटिंग कर लेते हैं, लड़की जाएगी कि नहीं जाएगी अपन वोटिंग कर लेते। आओ। मैं तो कहता हूँ लड़की नहीं जाएगी, खाने पीने की तकलीफ खत्म। मेरा दिल भी कहता है कि लड़की यही रहेगी। अरे आओ। चेला मिया, 4 पुट्टा में से 3 हो बोले, पुट्टी इधर ही चलाएगी। लेकिन एक बात हमें, हाल में बलिहारी जाओ।
पति पत्नी की बात प्राइवेट होते प्राइवेट ये बात सबके सामने ना ही करा के चाहिए ई के वास्ते हम तो के बाहर लाए हैं। अरे ओ बैल जी, तेरे साथ हमार का दुश्मनी है जो एक हमार घर बता दिया। देखो पतिदेव, ए पतिदेव, काहे का पतिदेव? अब हमको बताओ तुम हमको कहां कहां छेलू? हाय मैं बलिहारी जाऊं, ई भी कोई पूछन वाली बात है का? अरे हम समझ गया, तय अंधेरे में बहुत बड़ा घोटाला किया है। अब हम बजरंग बली जी को काम मुंह दिखाऊंगा। तुम्हें बजरंग बली जी की बड़ी चिंता है और हमारे नंदी महाराज के आदेश की कोनो परवाह नहीं। अरे तू जात है कि तू एक रपट के जात है पर तो एक दिन पाके रही। एक्सक्यूज मी मैडम, लगता है आपकी गाड़ी के इंजन में कुछ खराबी हो गई है ना? जी हाँ, क्या आप गाड़ी ठीक करना जानते हैं? बेबी ऑस्टिन से हैवी ड्यूटी ट्रक तक को मैं ठीक करना जानता हूँ। वंडरफुल, तो प्लीज आप मेरी गाड़ी ठीक करिए ना। वो तो मैं कर ही दूंगा, वैसे आप जैसी स्मार्ट और मॉडर्न लड़की का इस घटिया से गाँव में क्या काम? इस गाँव के ठाकुर अजय प्रताप सिंह मेरे डैडी है, मगर मैं शहर के कॉलेज में पढ़ती हूँ और छुट्टियां मनाने हमेशा घर आती हूँ, लेकिन इस बार घर पहुँचने से पहले मेरी गाड़ी खराब हो गई। जरा प्लीज देखिए ना इसमें क्या खराबी है। अगर मैंने आपकी गाड़ी ठीक कर दी तो आप मुझे मुंह मांगा इनाम देंगे, देंगे ना? जी हाँ, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी। तो फिर कहिए आई लव यू रांझा। आई लव यू रांझा। सुनो, यहाँ पर एक लड़का था ना, वो कहाँ गया? अरे वाह ठाकुर की बिटिया, जब वो लड़का धर दबोच के चुम्मी ले रहा था उस वक्त तो तुमने नहीं पूछा कि रांझा कहाँ गया, रांझा कहाँ गया? मुझे क्या मालूम। रांझा के बच्चे, अगर मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम भी संगीता नहीं। उस साले रांझे की औलाद को तो मैं चीर फाड़ के रख दूंगा, बस मुझे इतना बता दो संगीता कि वो रहता कहाँ है। मुझे क्या पता कि वो कहाँ रहता है, जहाँ मेरी गाड़ी खराब हो गई थी वहीं मिल गया था, और वैसे भी वो इस गांव का नहीं लगता। अच्छा तो इंपोर्टेड है, हम अभी मुंशी सालिकराम के साथ जाकर उसकी ताजपोशी करते हैं। हाय 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 हाय, उस रांझे के बच्चे ने ठाकुर खानदान की आंख पर उंगली उठाई। छोटे ठाकुर उसे छोड़ना नहीं, चटनी की तरह पीस देना, हम समोसे के साथ खा जाएंगे। पांच नंबर बढ़ा दीजिए छोटे ठाकुर। अबे मुंशी के बच्चे पांच नंबर नहीं बढ़ाऊंगा, मारते क्यों हो? अरे मारूंगा अब दूसरा। लगता है पांच नंबर कट गए। कमीने तेरी ये मजाल, ए ससुर के ना की जबान संभाल। आई विल किल यू यू थर्ड क्लास मैन। ए अंग्रेज के टट्टू, की गिटर पिटर बंद कर नहीं तो लट्टू की तरह घुमाई दे। पहले तो ये बताबा हम कौन पाप किए हैं जो तुम तीनों लाल पीले हो रहे हो। तूने हम सूर्यवंशी ठाकुरों की इज्जत से खेलने की कोशिश की है, हम तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। हाय हाय हाय, ठाकुर होता ऐसा, बोलते हैं तो मुंह से फूल झड़ते। अंकल अंकल अंकल, व्हाई आर वी वेस्टिंग टाइम, लेट्स टीच हिम अ लेसन। खबरदार, ये जो हमारा हाथ है ना हथौड़ा है हथौड़ा, एक भी गलती से पड़ गया तो तुम दोनों चपाती की तरह चपटा हो जाओगे। हाय हाय हाय, इससे पहले हमारी ये दो शेर तुम्हारी जिंदगी को नोच नोच के खा जाएंगे। अरे हम खाने की चीज नहीं हूँ, हम करेला हूँ, ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब डबल कड़वा। पूछो कैसे,
ना ही पूछोगे तो हम बताता हूं। हमारा नाम है छैला, ऊपर से बिहारी हूं। ऐसा पटना का चक्कर दूंगा कि पूरी जिंदगी चक्कर घिन्नी की तरह घूमते रहोगे। हाय हाय ठाकुर, ये छैला बिहारी है, ये रांझा हिंदुस्तानी नहीं है। रांझा हिंदुस्तान? अरे अब समझ में आई बात, तो तुम तीनों रांझा हिंदुस्तानी को मारने चले थे। अरे कैसा कलयुग है, खेत खाए गाधा और मार खाए जुलाहा। तुम रांझा हिंदुस्तानी को जानते हो, कहां मिलेगा वो? अरे रांझा तो अब कोई नई हीर की तलाश में भटक रहा होगा। छोटे ठाकुर, मासूम ठाकुर, अरे उस मजनू के बच्चे को ढूंढते ढूंढते तो आगे पीछे सब जगह से पसीना निकल गया। ये काम सुबह नहीं हो सकता नाश्ता करने के बाद। नहीं नहीं सालिग्राम, ये काम आज ही होगा और अभी होगा, समझे? चाचू, अरे ये वही रांझा है जिसने हमारी संगीता बिटिया को छेड़ा था। चाचू, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। ए ठाकुर के अंडे, मेरा रांझा भाई तेरे को ऐसे मसल के रख देगा। ठीक है बेटा, लेकिन पछाड़ देना वरना मुझे आना पड़ेगा। तेरा रांझा भाई तो बहुत मार खाएगा आज। छोटे ठाकुर, ये सड़क छाप आसिक का दिमाग तो आप ही ठीक कर सकते हो, है? क्योंकि आप रावण की तरह शक्तिशाली हो, है? अब मेरे पांच नंबर बढ़ा दीजिए। सालिक राम, तूने मुझे रावण कहा? ए, बहुत भारी गलती हो गई छोटे ठाकुर, बहुत भारी गलती हो। छोटे ठाकुर, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है, कितने खूबसूरत है, लेकिन संभाल के रहना, कहीं ये सड़क छाप आसिक आपको छोटे ठाकुर से काना ठाकुर ना बना दे। ए, मार खाने के लिए तैयार हो जा। पहले यह बता कि मेरा कसूर क्या है, क्या मैंने तुझसे कर्ज लेकर वापस नहीं किया? आए हाय 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 हाय, खुजली के पेड़ एक तो हमारी बेटी को छेड़ता है, ऊपर से शायरी करता है। आए हमको डरपोक नहीं समझना, धोती कुर्ते में हम कम नहीं है, एक ही छतरी का फटके में हम तुम्हारे चेहरे का सारा नक्शा बदल देंगे। हम छतरी कराटो है। इस फाइट का कुछ फायदा उठाते हैं। अरे रांझा जीतेगा तो 10 के 100 दूंगा। लाओ हवा कर रहे भैया, 10 का 100 मारेगा। 100 दूंगा, 10 का 100। और ठाकुर का अंडा जीतेगा तो मैं सारे नोट लेके अंदर कर लूंगा। चलो भैया रांझा पर हमरे 50 लगे, हमरा 100। वाह 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 वाह। अरे भैया, हम लोग की रकम 10 दुनी करके वापस तो कर दो। माल, माल दो माल। कांती भाई देता हूँ ना यार, बाजीगर भाई राजकोट वाले लूटी गयो तमे। अरे फाइट तो पूरी थी, ध्यान दे।
बाजीगर बचा वरना जाने मुझे मार डालेगा। नहीं भाई, ये मामले में मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ रांझा भाई। ये पब्लिक को ना मेरे को 10 का 100 देना पड़ेगा, थोड़ा तपलीक सह लेना। चलो सालिका चलो, लगता है मर गया। अरे हमरा पैसा बर्बाद हो गया। अरे राजा बर्बाद कर दिया हमको, गए सारे पैसे। बोलो मेरे पिस्टर है तू डेक्टर आज साले अच्छी दोस्ती निभाई तूने। ए पहली मजनू की औलाद, धंधे में दोस्ती अच्छी नहीं रे बप्पा। मेरे बाप ने बोला था घोड़ा घास से दोस्ती करेगा ना तो खाएगा क्या। छोटे सालिक राम की बेटी बहुत जवान हो गई है। हाँ चाचू जवान हो गई है। बिल्कुल माँ पे गई होगी। इसी ठाकुर ने मेरे चाची को मारा था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चाचू रुक जा, हाय, हाय, रुक जा। वाह, ये तालियां तुम्हारी बुजदिली की शान में। 6 फुट के आसपास हो गए और 1.25 फुट ने तुम्हारी कमर चुका दी। वाह ठाकुर साहब वाह, क्या बात कही है, है? 6 फुट पर मुकाबला 1.25 फुट, अरे इनकी जगह मैं होता तो। बाबा इस 1.25 फुट ने तो धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे ठंडे खून पर। ये बिद्दी तुम्हें मात दे गया और तुम इसके साथ छटपटा रहे हो। बाबा आज मैं इस अली मियां के बिद्दी को कुचलकर अपने माथे पर इसके खून से टीका लगाऊंगा। बच्चे को मत छूना बच्चे, नहीं तो तुहर माथे पर मौत का टीका लगा दूंगा। ये इस बच्चे का हिमायती कौन है विश्वप्रताप? वैसे तो हम छैला बिहारी हूं, मगर तुम जैसे खतरनाक लोग अगर टकरा जाए तो खतरों का खिलाड़ी हूं। ये खिलाड़ी है या अनाड़ी है तो हम नहीं जानते, मगर हमारी अदालत ने इस बच्चे को मौत का हुक्म दे दिया है जिसे अब भगवान भी नहीं टाल सकता। भगवान की बात भगवान जाने ठाकुर साहब, हम इंसान होकर तुम्हें चेता रहा, यह नन्ना मुन्ना बालक हमारे जिगरी दोस्त बमबाज की जान है, इसलिए इसकी तरफ आंख मत उठा। इसके वास्ते हम जान दे सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। चलाओ भाई साहब, आपने इस हीरो को जाने क्यों दिया? छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर खाली बर्तन पर ढक्कन नहीं लगाते। अल्लाह पे भरोसा रखो सकीना, अब्बास यही कहीं गांव में खेल कूद रहा होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। क्या करूं अली मियां, जब से असलम की मौत हुई है तरह तरह के ख्याल मेरे जहन में आते रहते हैं। इतनी रात हो गई है, अब्बास अभी तक घर नहीं आया। आ जाएगा आ जाएगा। अम्मी जान, ये लो आ गया तुम्हारे जगह का अब्बास। अब्बास अब्बास तो कहां गायब हो गए थे? अम्मी मैं तो हमेशा के लिए गायब हो जाता अगर बम्बास चाचा उनके साथ ही मुझे नहीं बचाते तो।
भाई तुम्हारे एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जाओ तो फिकर न को करो, ये बच्चे को कोई हाथ लगाया तो मुंडी मरोड़ के रख दूंगा। खुदा हाफिज। खुदा। अरे ससुर के नाती, हमार पैन शराट कुर्ते गायब कर दिए, ये गांव खेड़े में भी हाथ की सफाई दिखाने लगे। अभी बतावत है। अरे ससुर की नातिन, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि हमार पतलून और सिराट को हाथ लगाया। हाय मैं बलिहारी जाऊं, गुस्से में तो बड़े प्यारे लग रहे हो प्राणनाथ। दोबारा प्राणनाथ कहा तो मैं तेरा प्राण छीन लूंगा। अरे इतना आपे से काहे बाहर हो रहे हो, पति के कपड़े अगर पत्नी नहीं धोएगी तो क्या आस पड़ोस वाले धोएंगे क्या? अरे वही चिड़ैया की एक टांग, समझ गया, तो सारे नट बल्टू ढीले बा, अभी ठीक कर देता हूँ। रुका है गए, और पास आओ ना प्राणनाथ। अरे तू सचमुच बहुत छिचोरी है। अरे इतनी बेहया बेसरम छोरी हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और हमने भी ऐसे ठंडे खून वाला छोरा पहले कभी नहीं देखा। तूने हमको ठंडे खून वाला छोरा कहा? ए छोरी, ये छैला बिहारी शेर का बच्चा है, शेर का। एक पांव जमीन में धर दूंगा तो जमीन से पानी निकल आएगा। हाँ। अरे तू क्या निकालेगा जमीन से पानी, तेरी छाती में तो दम ही नहीं। अगर तू शेर का बच्चा होता तो कस के भर लेता अपनी दुल्हन को बाहों में। तू तो पक्का नामर्द है, नामर्द। क्या? तूने हमको नामर्द कहा? एक बार नहीं हजार बार कहूंगी, नामर्द नामर्द नामर्द। ठीक है, आज हम तो के दिखाता हूं कि मैं कितना बड़ा मर्द हूं। चिल्ला हिलाई के चल। कौन है ये चिलगोजा? हमारे इलाके का तो लगता नहीं। हमारे इलाके का नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में चक्कर काट रहा था बाबा, मुझे शक हुआ इसलिए पकड़कर आपके पास ले आया। भाई साहब, मुझे तो ये खुफिया पुलिस का आदमी लगता है। हम इसी के मुंह से सुनना चाहेंगे कि ये कौन है। मैं सेंट्रल जेल का जेलर हूं, अश्विन कुमार। ये देखिए मेरा आई कार्ड। अगर तू जेलर है तो अपनी जेल छोड़कर क्यों भाग आया? मैं उन चार खतरनाक मुजरिमों की तलाश में आया हूं जो मेरी जेल से भागे हैं और मेरी नौकरी भी खा गए। मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखाता हूं। कहीं ये चारों मुजरिम आपके इलाके में तो नहीं आए ठाकुर साहब? अरे ठाकुर साहब, ये चारों तो हुई है। जेलर, ये चारों मुजरिम हमारे इलाके में नहीं। अगर हमें वो कहीं नजर आए तो हम आपको बता दें, लेकिन आपका पता? मेरा कार्ड। अभी आप जा सकते हैं। हाय हाय हाय, बड़े ठाकुर, आपके दिमाग की जितनी भी सराहना की जाए कम है, मैं तो कहता हूं बहुत कम है। आपकी इस अद्भुत खोपड़ी में अकल कूट कूट कर भरी हुई है, इसीलिए तो आप इस इलाके के बेताज बादशाह हैं। मिल गया, जय हो मालिक। अबे मुंशी के बच्चे, पांच अंक बढ़ा जल्दी से। बढ़ा दो मुनीम जी, पांच अंक, और मेरी तरफ से भी पांच अंक बढ़ा दो। भाई जवान बेटी होती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। अबे मुंशी के बच्चे, बिटिया मेरी जवान हो रही है और चिंता खाए जा रही है इस काने ठाकुर को। मुंशी के बच्चे, मैं दुनिया पर भरोसा कर सकता हूँ लेकिन इस काने ठाकुर पर भरोसा नहीं कर सकता। अबे मुंशी के बच्चे, 100 पूरे होने में कितने बाकी है? जब 100 पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने आप बता दूंगा। अभी नहीं बताएगा है? तू भी काने ठाकुर की तरह बोल रहे हो है? अरे
इतने दिनों से झक मार रहे। अरे खजाना तो दूर एक ठो पीतल का टुकड़ा तक नहीं मिला। बरोबर बोले उत्ताद, बदन का खून पानी बन को बह गया। क्या बोलते गुज्जू? मैं क्या बोलूं डीकरा, पड़ा मेरे को तो लगता है कि पेरा लंगड़े ने मेरे को उल्लू तो नहीं बना गया। हमको उल्लू बनाकर उसको क्या मिला, उसको ढूंढो, लगाओ जरा ये पता। इस सवाल का जवाब हम तुम्हें दे सकते हैं। फौजी ने खजाने का दाना डालकर इनसे अपनी बंजर जमीन खुदवा ली और उपजाऊ बना ली। अरे जय हो जय हो, दो ठाकुरों ने चार मवालियों की कैसे बोलती बंद कर दी। हुकम नंबर बढ़ेंगे कि नहीं? दिन को ज्यादा लंबा मत करो ठाकुर साहब, छोट करो छोट। हमारे उस लंगड़े भाई ने इनका सिर्फ खून जलाया और दिया ठन ठन। हमारे साथ काम करोगे तो मालामाल हो जाओगे। क्या बोलते हैं मियां? और हम लोगों को आपके लिए क्या काम करना पड़ेगा? वही काम जो तुम लोग आज तक कर रहे हो और जिसके लिए पूरी हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। लेकिन ठाकुर भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग तुम्हारे साथ काम करने से इनकार कर दें तो वापस उसी जेल में पहुंच जाओगे जहां से तुम लोग भागे थे। जेल भिजवाई की धमकी हमको मत देना ठाकुर। जेल हमारे लिए ऐसा जगह है जैसे दूध पीते बच्चे के लिए मां की गोद, समझे? काम कराना है ठाकुर तो जरा प्यार से बात करें, समझ से थोड़ा काम लो, जब समझदार से बात करो। वो क्या है ना मियां, हम चार पुट्टा में से तीन लोग हूं बोले दो होगा, वरना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। मैं तैयार छू। हो आज हम नोटन की ताकत को मान गए ठाकुर, एक पलड़े में चारों और दूसरा पलड़ा खाली। ठाकुर ये चारों लोग बहुत होशियार, तुम्हारे गांव के छोकरे लोगों को परफेक्ट टेररिस्ट बना देंगे। दोस्त तारीफ इनकी नहीं हमारी करनी चाहिए, अगर हमारे जैसा जौहरी इनकी परख न करता तो ये पत्थर के पत्थर ही रह जाता। अरे जुग जुग जियो बड़े ठाकुर, जुग जुग जियो। अरे आपका हर कथन चांदी की कलम से सोने के पन्ने पर लिख देना चाहिए। अरे आपके चरणों की कसम हुकम, आप तो पारस है पारस। अरे आप तो माटी के ढेर को हाथ लगाए तो सोना हो जाए, ये तो बदमाश है। सिर्फ 5 नंबर सरकार, ठीक है उतना चले चलेगा। अली मियां
अल्लाह के रहम करम से इस बार हमारे गांव में कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ अली भाई, गांव में तो इतनी भुखमरी थी, लेकिन आज गांव का हर घर चावल और गेहूं से भरा हुआ है। हाँ शकुंतला बहन, हमारे गांव में खुशहाली आ गई है। बड़े ठाकुर की बदमाशी की वजह से हम सब भुखमरी का शिकार बन गए थे। हमारे नौजवान उसकी गुलामी कर रहे थे, आतंकवादी बन गए थे, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान ठाकुर की गुलामी छोड़ देंगे। बोलो क्या फैसला है तुम्हारा? मास्टर जी, जो आपका फैसला हुआ हम सबका फैसला। आज से हमारा न कोई साथी ठाकुर के यहाँ नौकरी करेगा और न ही आतंकवाद की ट्रेनिंग लेगा। अली भाई, ये ठीक कह रहा है। शाबाश, मुझे फख्र है तुम सब पर, लेकिन एक बात सुन लो, ठाकुर तुम्हारा फैसला जानकर चुप नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बोलो, हिम्मत से उसका मुकाबला कर सकोगे? हम सब मिलकर ठाकुर के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। क्या बात है कल्लू, तुम इतना परेशान काहे हो? हमने ठाकुर की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर ये बात ठाकुर साहब को बताने की क्या जरूरत है? अरे ये तो वही कहावत हो गई कि आ बैल मुझे मार। हाँ। अरे यार पूनम, मुझे तो गांव बहुत अच्छा लगता है। ये ठाकुर की बेटी संगीता है, ठाकुर को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो 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 चलो। यहाँ के खेत वगैरह सब कितना अच्छा है ना। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ो, तुम जाते नहीं हो, मैं कौन हूँ? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे ये तो ठाकुर की बेटी है संगीता। हाँ शकुंतला मौसी, ये लो कुल्हाड़ी, इसके टुकड़े कर दो, अपने बेटे रामू की मौत का बदला ले लो। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ, मुझे लोग मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे माँ। बेटा, बेटा रामू, रामू, बेटा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती, ये निर्दोष है, जाओ इसे वापस छोड़ कर आओ। नहीं मौसी, खून का बदला खून, हम इस छोरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मौसी, तुम्हारा रामू मेरा जिगरी दोस्त था, इसे मार के रामू के खून का बदला लूंगा। संगीता, संगीता, तुम्हारा बैग। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ अपना रास्ता ना पाओ। क्या यही है मेरी वफा का सिला? शुक्रिया भी मेरा अदा ना किया? शुक्रिया किस बात का? तुम मेरे डैडी का नमक खाते हो, और अगर तुमने उनकी बेटी की जान बचा भी ली तो कौन सा एहसान कर दिया? ये तो तुम्हारा फर्ज था, डैडी से कहकर तुम्हें कोई इनाम जरूर दिलवा दूंगी। अगर तुम देना चाहती हो मुझे इनाम, पिला दो अपनी मोहब्बत का जाम। मेरी मोहब्बत तुम्हें एक शर्त पर मिल सकती है, अगर तुम मेरे सर पर हाथ रखकर एक कसम खाओ कि तुम मेरे डैडी की नौकरी नहीं करोगे, क्योंकि मेरे डैडी गरीबों पर जुल्म करते हैं। बोलो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? तेरे सर की कसम खाता हूं, जो कहोगी वही करूंगा मैं। ठाकुर की नौकरी छोड़ दूंगा, लाली इस मांग में भरूंगा मैं। ठाकुर, दो दिन हो गए आपके गांव के छोकरे लोग ट्रेनिंग के वास्ते सेंटर पे नहीं आए। भाई साहब, अगर आप कहें तो मैं अभी गांव जाके पता लगाता हूं। नहीं विश्व प्रताप, नीच लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं, तुम गांव नहीं जाओगे, बल्कि वो हवेली आएंगे हमेशा की तरह। ठाकुर साहब, आपने 1,111,00,000 रुपए की बात कही। अरे आपकी हवेली की घंटे की घनघन में वो चमत्कार है कि उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वालों के पैरों में थर्ड गियर लग जाता है। अरे लंगड़े भी शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ लेते हैं। जय हो सरकार। समझ गया सरकार। सरकार सिर्फ 5 अंक? ठीक है ठीक है मेरे छोटे ठाकुर, ठीक है, उत्ते से काम चला लेंगे। अरे भैया, बड़े ठाकुर पर तो थोड़ा भरोसा हो कर सकते हैं, लेकिन काले ठाकुर पर कौनो भरोसा
लिखा नहीं, क्यों मुंशी के बच्चे? हाँ हाँ हाँ, तो फिर बराबर लिख। हाँ लिखा 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 बराबर। जरा भी भूला तो मारेंगे, छतरी गिरेगा दूसरे गांव में। विश्व प्रताप, कीड़ों की तरह रेंगने वाले इन गांव वालों ने आज हमारे हुक्म की तामील नहीं की। मुझे शक है कि मास्टर अली मियां ने गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़काया है। और बाबा, मैंने ये भी सुना है कि इस गांव का हर घर अनाज के दानों से भरा पड़ा है, इसलिए उन साले छोकरों ने आपके साथ नमक हरामी करने की गुस्ताखी की। तो फिर उन बागियों के लिए क्या हुक्म है ठाकुर साहब? हमारी शान में गुस्ताखी करने का अंजाम है मौत। कुचल दो उन कीड़ों को जिन्होंने जमीन से ऊपर उठकर देखने की जुर्रत की। अरे वो निकम्मो, बहुत चर्बी सवार हो गई है, 3 दिन से काम पर कोई नहीं आया, क्यों? एक आना ठाकुर, नौकरी पर जाने से मैंने इन्हें मना किया था। हमें शक था कि गांव के नौजवानों को गद्दारी का रास्ता तुम ही ने दिखाया है। गद्दारी का नहीं, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता। तुम्हारे बड़े ठाकुर ने हमें भुखमरी का शिकार बनाकर हमें हराम की कमाई खाने पर मजबूर कर दिया था। तो आप क्या हलाल की कमाई खा रहे हो तुम लोग? बेशक, हमने अपनी जमीनों पर अब इतना अनाज उगा लिया है कि अब हमें तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेरहमो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। चाचू, पहचाना इस पिद्दी को? इसी ने आपकी आंख फोड़ी थी, अब मैं इसकी गर्दन मरोड़ देता हूं। रुक जाओ ठाकुर। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है ठाकुर। हम तुमको बोला रहा इस बच्चे के बारे में कि इसको हाथ मत लगाना। उस वक्त तो तुम हमारे दुश्मन थे, लेकिन अब तुमने बड़े ठाकुर का नमक खाया है, और नमक खाकर नमक हरामी मत करना। इस सपोले को तो हम मार के ही दम लेंगे, ये ठाकुरों की इज्जत का सवाल है। अच्छी तरह से सोच लो ठाकुर, कहीं ऐसा ना हो कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताओगे तो तुम लोग जब तुम अपनी टूटी हड्डियां लेकर हॉस्पिटल पहुंचोगे, समझे? ये का मतलब हमको ठाकुर की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो चलो तनिक वोटिंग हो जाए। आओ। अरे जियो रांझा जियो। तो बोला बाजीगर, तुम्हारा का ख्याल है? अबे हूं सू कहूं छेला भाई, पर एक बात तो पाकी छे कि जो काम 3 लोग करेंगे ओच में करूंगा। आ तो चौकस। समझे? उन लोगों को सबक सिखाने की बजाय अपनी पिटी पिटाई मनहूस सूरतें लेकर यहां आ गए। जानते हो इस नाकामी का अंजाम क्या है? बरसों से हमारे खानदान ने
जो रुतबा हासिल किया, जो अपनी ताकत की थाक जमाई, उसको तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। ठाकुर साहब, अगर यही हाल रहा तो आप भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूं पानी में घुल जाएंगे। गलती होगी ठाकुर साहब, तंबाकू जबाने फिसल जाती है। बाबा, क्या आप उन चारों खिलाड़ियों को सबक नहीं सिखाएंगे? सबक अभी तो हम उन्हीं के सबक को दोहराएंगे। वो हमारे इलाके में चोरों की तरह घुस तो आए, मगर फतेह का डंका बजाते हुए सिंधा वापस नहीं जाएंगे। उन चारों मुजरमों को तुम लोगों ने कहां छुपाया है? ये इंस्पेक्टर साहब जानना चाहते हैं। उन्हें मुजरिम मत कहिए ठाकुर साहब, वो तो रहमत के फरिश्ते हैं। मैं जानता हूं मास्टरनी, तू उनकी बुराई नहीं सुन सकती क्योंकि वो तेरे खास हिमायती बन चुके हैं। वो चारों जेल से भागे हुए खतरनाक मुजरिम है। जो भी उन्हें छुपाएगा या बचाएगा वो भी मुजरिम कहलाएगा। मुझे शक है इंस्पेक्टर कि हमारा दुश्मन मास्टर अलीमिया ही उन चारों की मदद कर रहा है। कितने दिन करेगा, कब तक छुपाएगा? अरे हम पाताल से भी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्यों इंस्पेक्टर अनोखेला? हम पुलिस वालों का काम हमें ही करने दीजिए छोटे ठाकुर। चलिए अब तुम लोग इसी अड्डे पर रहोगे और ठाकुर अजय प्रताप सिंह के खिलाफ खुफिया जंग लड़ोगे। लेकिन मास्टर जी, ठाकुर को इस बात का पता कैसन चल गया कि हम चारों भगोड़े मुजरिम हैं? शहर के जिस जेल से तुम चारों भागे थे ना, वहां का जेलर आदिलपुर पहुंच गया है। और जब उसने ठाकुर को तुम चारों की तस्वीरें दिखाई तो ठाकुर ने तुम्हें पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। और जैसे ही आपको यह खबर मिली, आपने वो पेला पुलिस के आने से पहले मेरे को उधर गांव से चुबंतर कर दिया, गायब कर दिया और इधर में लेके आए, करेक्ट? लेकिन हमें गांव में ना पाकर ठाकुर कहीं आप पे शक ना कर बैठे। मैं खुदा के अलावा और किसी से नहीं डरता। वैसे तुम्हारा वो चौथा साथी क्या नाम है उसका, बमबाज, कहां चला गया? उसका काम क्या है? बम बनाने का सामान लाने का है। अच्छा, तो ठीक है, मैं चलता हूं। वैसे उस कमरे में मैंने तुम लोगों के लिए पानी और राशन रखवा दिया है। जैसे मुझे ठाकुर की नापाक हरकतों की खबर मिलेगी मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम पिलान को बखूबी अंजाम दोगे। विदाउट फेल ठाकुर, बस आप डेट तो फिक्स कर दीजिए। अरे 15 अगस्त हो गई ना है? शाबाश। अरे मुंशी के बच्चे, 10 नंबर बढ़ाया नहीं अभी तक है? ठाकुर साहब ने कहा सुना नहीं? सालिक राम, ठाकुर साहब 10 नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, 10 नंबर घटाने के लिए कह गए। शर्म नहीं आती अपने मालिक को रावण और कंस कहते हुए? छोटे ठाकुर, चमड़े की जबान थी, फिसल गई। भगवान झूठ ना बुलवाए। मैं तो ये कहने वाला था कि ठाकुर साहब की आंख नहीं, दूरबीन है दूरबीन। वो आकाश के तारे भी गिन सकते हैं और पाताल की गहराई भी माप सकते हैं। अंधेरे में हजार हजार की नोट झटके में गिनते हैं भैया। अबे मूर्ख, तेरे 100 नंबर कभी पूरे नहीं होंगे। सौ नंबर पूरे नहीं होंगे भैया? हमको लाख रुपये नहीं मिलेंगे, हम लखपति नहीं बनेंगे, हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। हे ठाकुर, काना ठाकुर, हमको दिली धोखे में रखे, हमको आस दिला के हमारी आस पूरी नहीं किए ठाकुर। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा। हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी, हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं सालिग्राम चाचा? मेरे डैडी देश द्रोहियों से मिले हुए हैं और 15 अगस्त को देश में तोड़फोड़ की कार्यवाही करने वाले हैं। हाँ बिटिया हाँ, अपने पिताजी को इतना बड़ा कांड करने से रोक लो बिटिया। सालिग्राम,
हराम, हमारा ये नमक खा खा कर हम ही से नमक हरामी करने चला है। ठाकुर साहब, आपका नमक खाने से पहले मैंने इस धरती का नमक खाया है। मैं इस देश से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। नीच, गद्दार। नीचता तो आप कर रहे हैं डैडी, जो अपने ही देश की जड़ें खोखली कर रहे हैं। खामोश मत सबा लड़की, अगर ज्यादा सबान चलाई तो कहीं काट कर फेंक दूंगा। और आप कर भी कह सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए डैडी, जब तक मेरी आखिरी सांसें चलती रहेंगी मैं आपको देश के साथ गद्दारी नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ आपके गंदे कारनामों की पुलिस को इत्तला करने। संजय, जाकर इस बेवकूफ लड़की को कमरे में बंद कर दो। खबरदार, खबरदार, संगीता बिटिया को कोई कुछ नहीं करेगा। जा बिटिया, जाके पुलिस को खबर कर दो। जाओ जाओ जाओ, चल चल। होशियारी नहीं करना ठाकुर, गलती से गोली चल सकती है। क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है तू? हाँ सालिग्राम मुनीम, तेरी पहली हरकत से 5 नंबर कट चुके हैं और इस हरकत से 5 और कट जाएंगे। मैंने तुझसे कहा था कि जब तेरा सैकड़ा पूरा हो जाएगा तो मैं तुझे 1,00,000 रुपया दूंगा तेरी बेटी की शादी करने के लिए। हाय 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 ठाकुर साहब, अपनी बिटिया को सुहागन बनाने के लिए मैं अपनी धरती माँ को विधवा नहीं बना सकता। तुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी? मर गया, मर गया चाचू, मर गया। वक्त जाया मत करो, संगीता को पुलिस तक पहुंचने से पहले ही रोक दो। चलिए नंदी महाराज, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये तो संगीता है। बच्चों, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ कमीने। आप धन्य नंदी महाराज, आपने हमें ठाकुर के गुंडों से बचाया। अब एक उपकार और कर दीजिए, हमें उन चारों खिलाड़ियों तक ले चलिए। दुश्मन की पट्टी है उत्तर, पूरे इरादे से आइए। नहीं बम्बास, दोस्त है मेरी, शायद कुछ राज बताने आई है। लेकिन ये हम कैसे समझ रहे कि तुम हमारी मदद करने आई हो? हम बताते हैं, क्या इसका घायल चेहरा इसकी बेगुनाही का सबूत नहीं? शायद आप लोग जानते नहीं, ये अपने देशद्रोही बाप ठाकुर अजय प्रताप सिंह से बगावत कर चुकी है। आखिर क्या मकसद लेके तुम हमारे पास आई हो? मैं तुम लोगों को अपने बाप का वो मां से प्लान बताना चाहती हूँ जो इत्तेफाक से मुझे मालूम पड़ गया। और जब मैंने अपने बाप को उस गलत रास्ते पर जाने से रोका तो उन्होंने मुझे कैद करने का हुक्म दे दिया। ये तो छोकरी जल्दी बताओ ना, उनका मास्टर प्लान सूचे है। कल 14 अगस्त को टॉर्चर नाम का एक आतंकवादी सरहद पार से हमारे देश की सरहद में घुसेगा बहुत सारे खतरनाक बम लेकर, और फिर 15 अगस्त को वही खतरनाक बम हमारे इलाके में तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जल्दी चलो भाई, मुझे वो जगह मालूम है जहां से वो आतंकवादी आएंगे। आओ। टकले मियां, अगर चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह हमारे साथ चलोगे तो कसम से ये टकले पर आंच नहीं आएगी।
वरना समझे नन्हे मुन्ने बच्चे, शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरा नाम टॉर्चर है। एक बात बताऊं था मेरे को, तमें तो नाम से टॉर्चर है पर हम लोग तो काम से टॉर्चर। ये टकला तो सांड के खानदान के लगत है भैया, संभाल लो नहीं तो हमको बिहारी दांव पे लगाई के पड़ी। हाँ टॉर्चर अभी तक यहां नहीं पहुंचा, उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उन चारों ने टॉर्चर को पकड़ लिया, वरना पूरा सामान लेकर यहां पहुंच गया होता। पानी सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो कुछ कीजिए ना बड़े ठाकुर, वरना 15 अगस्त को क्या होगा? वही होगा जिसका सपना हम लोगों ने देखा है। देखो टकले मियां, सीधे खड़े रहो वरना ऐसा मारूंगा कि बाल आ जाएंगे, समझे? शाबाश, इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ के तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ये सुनकर बहुत खुश होंगे। इन लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में क्या बर्बादी करने आए हैं? बड़ी मोटी चमड़ी है, मार मार कर हमारे हाथ थक गए, लेकिन अभी तक कुछ उगला नहीं। थोड़े से वक्त की बात है मास्टर जी, जवाब तो हम उगलवा कर ही रहेंगे। मास्टर जी, हम मुर्दे की भी जबान खुलवा लेते हैं। खैर, जो भी करना यहां से बाहर मत जाना, क्योंकि ठाकुर अजय प्रताप सिंह को पता चल गया होगा कि ये दोनों गायब हैं और वो पागल कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। आप लोग यहीं रहिए, मैं पुलिस फोर्स को लेकर आता हूं। नहीं मास्टर जी, आज 10 मुहर्रम की शब है, आज अब ताजिया उठाएंगे और हजरत इमाम हुसैन का मातम करेंगे। भाई, पहले मुल्क बंदे की बात में, इन्हें पकड़वा कर मैं एक सच्चा मुसलमान होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं चलता हूं, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इतने महान आदमी हैं मास्टर जी। महान तो है पर शायद उन्हें अकेला भेजकर हमने अच्छा नहीं किया। फिक्र मत कर रंजा, सब ठीक हो जाए। ये चोरों की तरह कहां जा रहा है मास्टर? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि यह सवाल हमने पूछा है, और जब सवाल ठाकुर अजय प्रताप सिंह पूछता है तो जवाब हलक में हाथ डाल के निकाल लेता है। तो सुनो ठाकुर, आज 10 मुहर्रम की तारीख है, मैं अपने गांव जा रहा हूं जहां पर मेरी बीवी ने मन्नत का ताजिया रखा है। मैं और मेरे खानदान वाले हजरत इमाम हुसैन की याद में नोहा पढ़ेंगे और फिर ताजिया उठाएंगे। अगर तू सच्चा मुसलमान है तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ का सहारा मत ले मास्टर। एक सच्चा मुसलमान झूठ का सहारा कभी नहीं लेता ठाकुर। नोहा पढ़ने के बाद मैं पुलिस थाने जाऊंगा, तुझे और तेरे आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार करवाऊंगा मैं। वो तो तुम नहीं करवा पाओगे, बेहतरी इसी में है कि तुम ये बता दो कि टॉर्चर उसके साथी को तुमने कहां रखा है। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे इस सवाल का जवाब दूंगा? मैं पुख्ता ईमान की वो चट्टान हूं जिसे तोड़ना तेरे बस की बात नहीं ठाकुर।
अली अली मदद इससे पहले कि सांस रुक जाए बता दे नहीं पानी तो तुझे मिल सकता है अगर तू हमारी बात मान ले करबला के मैदान में आज ही के दिन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा तरसा के मार डाला मगर वो अपनी आन के लिए कुर्बान हो गए मत भूल कमजोर मैं भी उसी कौम का बेटा उसी कौम का शहीदों की मौत पर आंसू नहीं बहाया करते लाइला वाह मेरे मौला वाह मेरा आखिरी सहारा भी तूने छीन लिया लेकिन मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करूंगी मैं हर हाल में तेरा शुक्रिया अदा करूंगी मेरे मौला अली मियां हाँ सकीना बहन अली मियां बहुत खुशनसीब है कि उनको एक शहीद का दर्जा मिलेगा तुम लोग जाओ ताज में वो ठंडा कर दो अली मियां ने साथ चलने का वादा किया था लेकिन अजय प्रताप के जालिम हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया आज हम मिलकर एक कसम खाते इस धरती की आजादी को नीलाम करने वाले इस शहीद के खून के सौदागर ठाकुर अजय प्रताप सिंह से ऐसा खौफनाक बदला लेंगे इस धरती पर जालिमों का पित्ता पानी हो जाए अरे बाप रे तू इनो ससुर के नाती भाग गए अरे रो रंजा बाजी कर बमबाज ये देखा अरे बापा मरी गयो हमें से किसी ना किसी को रहना चाहिए था ना भाई इधर अरे अब पछताने से क्या फायदा लेकिन मियां ये कोई की बात हां लेकिन अब करे भी तो का करे अल्लाह मत चलो चलो शाबाश टॉर्चर तुमने अपने नाम की इज्जत रख ली उन चारों बदमाशों को पुलिस से पकड़वाकर जी हाँ भाई साहब टॉर्चर ने तो अनहोनी को होनी कर दी खुद को उन चारों की कैद से भी बचा लिया और उन चारों को बड़े घर पहुंचा दिया हाँ लेकिन वो हमारी नालायक बेटी संगीता भी तो उन चारों के साथ में है आप परेशान ना हो ठाकुर साहब मैंने आपकी बेटी संगीता को आपके बेटे संजय के पास हवेली में पहुंचा दिया है बाबा अब हम बड़े इत्मीनान के साथ कल 15 अगस्त को
अपना ऑपरेशन रिवेंज पूरा कर सकेंगे। क्यों टॉर्चर? हाँ ठाकुर, वो चार आदमी जो हमारे मिशन में पिन मार रहे थे, पुलिस उनका अच्छी तरह ख्याल रखेगी। कह रही बसंती, ठाकुर ने पूरे गांव वालों को पकड़ लिया है। हाँ छेला भाई, और आज 15 अगस्त के दिन इस इलाके में ठाकुर कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई भी करने वाला है। चला रियासत आदिलपुर के लिए बड़े ही गौरव का दिन है। आज हम अपने दोस्तों की मदद से इस देश की सरकार की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। बरसों पहले हमारे पुरखों की इस रियासत आदिलपुर को इस देश की हुकूमत ने हमसे जबरदस्ती छीना था, हमारा तख्त हमसे छीना और हमारा झंडा भी हमसे छीना। आज हम अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे उन तमाम लोगों से जो पलते तो हमारे टुकड़ों पर हैं, मगर जय जयकार इस देश की करने लगे हैं।
बोल ठाकुर, अब तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए? छेला, अभी बड़े ठाकुर के वफादार बाकी हैं। शाबाश शाबाश चंदर शाबाश। अपने साथियों को बोल दे कि हथियार फेंक दे। अपना अपना हथियार फेंक दो। ढूंढ दें सबको। अरे रुकिए 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 ठाकुर साहब, जरा रुकिए, मुझे कुछ कहना है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अरे दुनिया में है हर किसी को अपनी जान प्यारी, अब मंजूर है मुझे ठाकुर की वफादारी। नहीं बड़े भैया, इसकी बातों में मत आना, इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। अपने आदमियों से कहो कि बंदूकें फेंक दें और घुटने टेक दें। बंदूक फेंक दो और घुटने टेक दो। देखते क्या हो? मारो सालों को।
हम पर गुर्राज हो, सारी जिंदगी तुम हमारे हमारे टुकड़ों पर पले हो, तुम्हारे खून की एक एक बूंद हमारी कर्जदार है। आज तुम उन बदमाशों के बहकावे में आकर हम पर हथियार उठा रहे हो। वो बदमाश जिन्हें कल को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, तो कहां जाओगे? बताओ बताओ कहां जाओगे? कुत्तो तुम्हें चला। देखा ठाकुर, जौन मौत तुम हमेशा दूसरों को बांटा करते थे, आज वही मौत साये की तरह तुम्हारा पीछा कर रही है। आज आसमां को जमीन चाटनी पड़ेगी, जो फसल बोई थी तूने अब वो काटनी पड़ेगी। एक मिनट ठाकुर भाई, पिला भगत सिंह ने बोला है लोहे को लोहा च काटता है। देखो मैं हाथ छोड़ता हूं। आज इस जालिम रावण का अंत हो गया, अब से तुम्हारा राजा राम है, जिसके रामराज में हर गरीब के साथ इंसाफ होगा। पहला सब बोलो फौजी ठाकुर सिंह भाई नी जय। फौजी ठाकुर सिंह भाई नी जय। कैप्टन विजय प्रताप की जय। फौजी ठाकुर सिंह भाई नी जय। आप तीनों अपने आप को कानून के हवाले कर दें।